नमस्कार दोस्तों, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ 3 घंटे तक धरना दिया कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने। आपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी तस्वीरें देखी होंगी। एक बहुत बड़े कंपाउंड में वो बैठी, अकेली बैठी, किसी को भी आसपास नहीं बैठने दिया गया। इसके अलावा दूर दूर तक भी कोई उनके आसपास फटक नहीं पा रहा था। और सबसे ख़ास बात ये थी कि ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी, उनके सामने एक टेबल रखी हुई थी, आप फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं, उनके बगल में एक टेबल बैठ रखी हुई थी, उस पर कुछ कागजात रखे हुए थे, कुछ ड्राइंग पेंटिंग्स का सामान रखा हुआ था, कुछ पेस्टल कलर्स रखे हुए थे, और ये सब लेकर ममता बनर्जी बैठी 3 घंटे तक धरने पर। और उन्होंने इस दौरान कुछ पेंटिंग्स बनाई, जो पेंटिंग वो बनाती रही वो दूर से लोगों को दिखाती रही। लगभग 200 मीटर की दूरी पर मीडिया वालों के लिए एक कैंप लगाया गया था, वहीं से फोकस करके सबको तस्वीरें खींचनी पड़ रही थी। कोई भी ममता बनर्जी के पास तक नहीं फटक पा रहा था। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कोई औपचारिक स्पीच भी इस मौके पर नहीं दी। और इसमें पूरे प्रकरण में केवल और केवल ममता बनर्जी पर ही पूरे मीडिया का ध्यान बना रहा। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्रेंड भी चले कि जो दिल्ली का मीडिया है या फिर नोएडा में जो फिल्म सिटी का मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो शायद ममता बनर्जी के बारे में कुछ नहीं दिखाएगा। ममता बनर्जी को जिस तरीके से वो धरना दे रही हैं और डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रही हैं, उसको मीडिया उतना हाईलाइट नहीं करेगा जितना की उम्मीद की जा रही थी। हालाँकि ऐसा नहीं था। ममता बनर्जी 12 बजे के करीब व्हीलचेयर पर वहाँ पर पहुँची थी और लगभग 3 घंटे तक वो रही, और इस दौरान जितना दिखाया जा सकता था मीडिया ने उतना दिखाया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सोशल मीडिया पर उनकी वो तस्वीरें भी चल रही हैं जिसमें वो पेंटिंग्स बना रही है। इन सब चीज़ों के बीच में मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस तरीके का धरना देकर ममता बनर्जी ने क्या मैसेज देने की कोशिश की। देखिए, पहली बात तो चुनाव आयोग ने जो उन पर प्रतिबंध लगाया वो चुनाव प्रचार ना करने के लिए 24 घंटे का लगाया, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम था। और जब ये उन पर प्रतिबंध लगाया गया उस समय उनके घंटे शुरू हो चुके थे। ये प्रतिबंध मेरे ख्याल में शाम को 8 बजे के करीब लगाया गया था, सोमवार की शाम को, और मंगलवार की शाम तक के 8 बजे के लिए था ये। और जिस समय घोषणा हुई उस समय तक काफ़ी कुछ प्रचार हो चुका था, और 24 घंटे का बहुत नॉमिनल सा एक सांकेतिक उन पर ये चुनाव आयोग ने अंकुश लगाया। लेकिन इसके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस के नेता जो हायतोबा मचा रहे हैं उसे देखकर तो वास्तव में अचंबा आता है। और एक तरफ तो ये लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दूसरी ओर ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। ये तो इन्हें तो तृणमूल कांग्रेस वालों को इस बात पर भी एतराज़ है कि नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को दीदी और दीदी क्यों कह रहे हैं, वो इस बात पर भी प्रतिबंध चाहते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा जब ममता बनर्जी खुलेआम ये कह देती हैं कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, जो सेंट्रल फोर्सेज लगाई गई हैं चुनाव कराने में, वो चुनाव आयोग की नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एजेंट हैं, उनके बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इस तरह के आरोप लगा रही हैं, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कह रहा। चुनाव आयोग ने उन्हें किस बात पर लताड़ा? चुनाव आयोग ने उनकी सिर्फ उस बात का नोटिस लिया जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम वोटों को लेकर भड़काऊ बयान दिया था, और इस भड़काऊ बयान में उन्होंने ये कहा था कि प्रदेश के जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं वो बटे नहीं वरना बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। बीजेपी का खौफ दिखाकर उन्होंने वोट मांगा था मुसलमानों से, और ये कहा था अगर आप लोग बट गए तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी और फिर मुसलमानों के लिए पश्चिम बंगाल में रहना दूभर हो जाएगा, ये कहना था ममता बनर्जी का। और चुनाव आयोग ने इसे हेट स्पीच का दर्जा मानते हुए उन पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया, जबकि अभी बहुत लंबा चुनाव बाकी है। अभी केवल 50% ही चुनाव हुआ है, 4 ही राउंड हुए हैं, और ममता बनर्जी इसी एक प्रतिबंध से बिलबिला उठी हैं। वो ये चाह रही हैं कि मैं कुछ भी कहती रहूं, मुझ पर चुनाव आयोग कुछ ना करे। हाँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होती रहे। ये बड़ी ही अजीबोगरीब बात है। ममता बनर्जी
इसके बावजूद भी ये कहती हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए काला दिन है। और देखिए कितनी बड़ी छूट उन्हें मिली है, 8 बजे मंगलवार की शाम को उनका प्रतिबंध का समय ख़त्म होगा और उसके बाद वो 2 रैलियों को भी संबोधित करेंगी। अब जिस समय कि मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय की स्थिति में बता रहा हूँ, उनकी 2 रैलियाँ रात में होने जा रही हैं। तो ममता बनर्जी को मेरे ख्याल में आज अगर 2-3 रैलियों की कुर्बानी करनी पड़ी तो इसका कुछ उन्हें नुकसान नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि ये जो धरना दिया उन्होंने गांधी मूर्ति पर, इसका उन्हें फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं होगा। और वो क्या प्रचार करना चाहती हैं ये सब लोग जानते हैं, वो सिर्फ अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब लोगों को टारगेट बनाना चाहती हैं अपने धरने प्रदर्शन का एक नाटक करके। दूसरी ओर अमित शाह अभी भी पश्चिम बंगाल में है, डेली 3-3, 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे हैं और ये बिल्कुल एक फैक्टर है। जो चुनावी रणनीतिकार हैं, जो चुनाव के कैंपेन को नज़दीक से देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है और अब ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पश्चिम बंगाल में अमित शाह ही बन रहे हैं। अमित शाह जिस तरीके से आक्रामक कैंपेन कर रहे हैं उससे ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए आज अमित शाह ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी उन्हें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी कहती हैं, जबकि जो घुसपैठिए हैं, जो पश्चिम बंगाल में अपने वोट बनवा चुके हैं, वो TMC का वोट बैंक हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 2 मई को जब ममता बनर्जी इसकी प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी तो उसके बाद इंसान तो क्या कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार पाएगा। नागरकोटा में एक रैली आयोजित हुई और उसमें अमित शाह ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि दीदी कहती हैं कि मैं भारी हूँ, PM को भारी कहती हैं, आपका ज्ञान बहुत अल्प है। मैं बताता हूँ कि भारी कौन है। दीदी, कम्युनिस्टों की विचारधारा भारी है, वे चीन और रूस से लाए हैं। कांग्रेस नेतृत्व भारी है, इटली से आई हैं। TMC का वोट बैंक भारी है, घुसपैठिए हैं। मैं इसी देश में जन्मा हूँ, मैं कैसे भारी हो सकता हूँ, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल के गरीब का चावल घुसपैठिए ले लेते हैं, 2 मई को सरकार बनने के बाद इंसान तो छोड़ें, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा पश्चिम बंगाल में। सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम BJP करेगी, घुसपैठ की समस्या का समाधान केवल BJP कर सकती है। और दार्जिलिंग में अमित शाह ने अपने कार्यक्रम में ये कहा कि हम चाहते हैं कि देश भर में जो गोरखा भाई यहाँ के हैं और जो नेपाली भाई नेपाल से आए हैं वो भी मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, कोई उसको कुछ भी डराए डरिएगा मत। और गोरखाओं और नेपालियों के सम्मान के लिए BJP किसी के भी साथ लड़ाई कर सकती है। गोरखाओं का इतिहास समृद्ध है, जब कभी देशभक्त समुदायों का नाम लिया जाएगा तो गर्व से गोरखाओं का नाम पहले स्थान पर लिया जाएगा। तीनों, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और TMC ने कई सालों तक देश भर में गोरखाओं के साथ अन्याय किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 1986 में कम्युनिस्टों ने पहाड़ियों को आग में झोंका, 1200 से ज़्यादा गोरखा मारे गए। दीदी ने भी ये ट्रेंड जारी रखा, कई लोग मारे गए और हजारों के खिलाफ FIR हुई, केवल सेलेक्टिव FIR वापस ली गई है। BJP की सरकार बनने के बाद गोरखाओं के खिलाफ सारे केस 1 हफ्ते में वापस ले लिए जाएंगे। अमित शाह जिस तरीके से फोकस्ड अपने जो वोटर्स हैं उन पर प्रचार कर रहे हैं, इससे ममता बनर्जी परेशान है। ये जो गोरखा वाला इलाका है, इस इलाके में ममता बनर्जी ने तड़ी पार बिमल गुरुंग के साथ समझौता किया है और अब BJP बहुत बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके पर फोकस कर रही है जहां अभी होना है चुनाव, उत्तर बंगाल का, खासतौर से जो दार्जिलिंग का इधर आसपास का मिलता हुआ इलाका है। तो अब वहां पर अमित शाह ने जिस तरह से गोरखाओं को फोकस कर दिया है उससे ममता बनर्जी का परेशान होना लाजमी है। हाँ, इतनी सब चर्चाओं के बीच मैं एक चीज़ तो भूल ही गया कि जब किसी के पैर में फ्रैक्चर होता है दोस्तों, तो फ्रैक्चर तो केवल 15 दिन के लिए प्लास्टर बांधा जाता है, उसके बाद तो उसे चेक किया जाता है कि पैर में क्या हुआ। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को तो फ्रैक्चर हुए 1 महीना होने को आ रहा है और उसके बावजूद भी वो ये चेक नहीं करा रही है कि पैर उनका ठीक हुआ है या नहीं। मुझे लगता है कि ज़्यादा व्यस्त हैं और डॉक्टर्स ने कह दिया होगा कि मैडम आप 2 मई के बाद ही सीधे ये अपना प्लस्तर चेक करवा लेना और उसके बाद आपकी टांग टूटी हुई होगी तो दूसरा प्लस्तर लगा देंगे और आपकी टांग ठीक हो चुकी होगी तो उसके बाद आप चलना फिरना शुरू कर देना, खूब घूमना। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ममता बनर्जी को अपनी इस व्हील चेयर से क्या लगाव हो गया है। वो हर चीज़ को छोड़ रही हैं इस समय, अपने नेताओं को जो उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उन्होंने आसानी से छोड़ दिया, लेकिन व्हील चेयर को वो आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे उनकी क्या सोच है, कितनी सिंपैथी और उन्हें चाहिए। मुझे तो अब तक ये नहीं लगता कि जितना भी चुनाव अब तक हुआ है
उसमें ममता बनर्जी को उनकी व्हील चेयर की वजह से कोई सिंपति मिली है। बहरहाल उन्हें यह लग रहा है कि व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार ज़्यादा हो सकता है, हो सकता है कि ज़्यादा चलने फिरने से वो थक जाती और इस बहाने क्यों ना व्हील चेयर पर ही प्रचार किया जाए। मुझे तो सिर्फ यही एक कारण नज़र आ रहा है, इसके अलावा और कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। अमित शाह ने उनकी नींद उड़ा दी है और ममता बनर्जी पर जो 24 घंटे का बैन लगा है ये बहुत ही नॉमिनल है, उन पर लंबा बैन लगना चाहिए था जिस तरह की हेट स्पीच उन्होंने दी थी। बहरहाल अब व्हीलचेयर का जो उनका लगाव है वो क्यों कम नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है और हम अभी 4 राउंड बाकी हैं, हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे कि वो व्हीलचेयर कब तक बनाए रखती हैं, कितना लंबा उनका प्लस्तर चलता है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।